कुछ दिन पहले मेरे दोस्तों ने मुझको एक माइनक्राफ्ट सर्वर में ऐड किया था और ये एक लाइव स्टील सर्वर था, विच मींस अगर तुम किसी प्लेयर को मारोगे। अरे पता बार बार बताने की जरूरत नहीं, कितनी बार बताएगा, एक ही बात सुन दूंगी, बात बार बार सुन दूंगी, दिमाग खराब कर दिया तुम। तो शुरुआत में मुझको एकदम नॉर्मल माइनक्राफ्ट सर्वर लगा, पर तभी मुझको पता चलता है कि इस एसएमपी में है एक अननोन आदमी जिसका नाम है मिस्टर प्रेसिडेंट, और ये डिस्कॉर्ड पे सबको टास्क देता है, और जिसने इसका टास्क फॉलो नहीं किया वो प्लेयर सीधा बैन हो जाता है। इस एसएमपी को चलते हुए एक वीक हो चुका था और मैंने इसको ज्वाइन किया था वीक टू में, और वीक टू के एसएमपी के रूल्स मिस्टर प्रेसिडेंट ने डिस्कॉर्ड सर्वर में डाल दिए थे। और हर बार की तरह मेरा पहला एपिसोड व्यूज के लिए होने वाला है बिकमिंग द मोस्ट स्टैक्ड प्लेयर इन दिस एसएमपी। आ गया मैं एसएमपी में, मुझे स्पॉन पे किसी का बेस दिख रहा है, एक घर है। वो हैरिएटर का घर है, हैरिएटर भाग चुका है। भाग चुका है, हैरिएटर भाग चुका है, वो आइलैंड स्पेंड करने के लिए विलेजर्स ढूंढने गया हुआ है। विलेजर्स ढूंढने गया है? अच्छा, विलेजर ढूंढने गया हैरिएटर। हाँ, वो इतने टाइम से विलेजर ही ढूंढ रहा है। अभी अक्षय तो रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा। ये यहाँ पे उस घर में किसने काले काले सुअर पाल रखे हैं? एक्चुअली वो मैंने पाले हैं। ये विलेजर अक्षत, एक प्लान है मेरे पास, तू इनको गुमराह कर, मैं पीछे से जाके मार दूंगा। ठीक है, मैं करता हूँ गुमराह इनको। ये मुझसे हो तो नहीं रहे गुमराह, ये मुझको मारने लग गए। तू कहाँ है इनको मारना, मार दिया मैं। ओ भागो, मैं डे वन पे ही मरूंगा। ये यहाँ पे एक घर है। अबे भाई, मैं इस घर में घुस नहीं पा रहा, कैसे घुस नहीं है मेरे पास? किसने इतना बकवास घर बनाया, मैं घुस नहीं पा रहा इसमें। कौन सा घर की बात कर रहा है? ये जो बाहर है। ओ ये रहा तू, मैं घुस ही नहीं पा रहा हूँ, देख ऐसे घुसते। अच्छा ठीक है, समझ गया, निकल अब तो। ठीक है, अब से ये मेरा घर है, यहाँ पे मैं रहा करूंगा। कुछ भी नहीं है चेस्ट में। एक बात बोलूं, वो विलेजर्स मैन मत मारो भाई, मैंने भी नहीं मारे थे। सोचा था बैड ओमेन लग जाएगा, जैसे हैरिएटर एक विलेजर लाएगा तो रेड पड़ जाएगी, इसलिए मैंने अब तक पाले मारा नहीं है उनको। उनको मारो मत, उनको मैं नहीं मार रहा। वो वहां से आ रहा है, वो एरो, वो देख यहाँ गैप था उससे आ रहा है। उसके बाद मुझे उस घर में एक चेस्ट मिलती है जिसमें से मुझको मिल जाते हैं डायमंड्स, मेरी तो लॉटरी लग जाती है। उनसे बस ज़ॉम्बीज़ नहीं, 16 डायमंड, अरे वाह, हार्ट ऑफ द सी, क्या कसम आ रहा है, डायमंड अब मेरे हो गए। मैं तेरी कंप्लेन कर सकता हूँ, जो करना है कर ले, चोरी अलाउड नहीं है, जो करना है कर ले, ले डायमंड लेके दिखा दम हो तो। ओ यहाँ पे इतना सारा वीट है, पुश्तों के घर में आ। पुश्तों का घर कहाँ से आ गया, वो घूमना पे था। पुश्तों के घर जैसी वाइब दे रहा है ये। अच्छा चल, इस वहाँ पे, यहाँ पे जा, इस वाले दरवाजे में जा, जा जल्दी जा। ठीक है, ले ओके, एंजॉय। एक सेकंड, तेरी ऐसी कितने बता लेगा डायमंड सब। तो कुछ देर वहाँ पर मस्ती करने के बाद मेरे दोस्त सक्षम को मिलता है टास्क एक कासल बनाने का, पर ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस उसके पास टाइम नहीं होता और वो टास्क मुझ पर शिफ्ट कर देता है, और मैं ये कैसल बनाने के लिए रेडी हो जाता हूँ, पर इसके बदले में मुझे चाहिए थे सिर्फ दो चीज़ें, क्रेडिट और डायमंड, और वो देने के लिए वो तैयार हो जाता है। फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ बनाना सक्षम का कैसल। एक सेकंड, जितना मेरे को याद है उतने तो दिख रहे हैं। ठीक है, आप तो क्या है, दरवाजा तो बंद करके आया कर, तूने दरवाजा बंद नहीं किया। अरे तुरे ध्यान नहीं रहा होगा। पांच घंटे की मेहनत का रिजल्ट पेश है। ये तुम YouTube पे कहीं पे भी देख लेना, कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल खुद का ओरिजिनल डिजाइन है। मैं तो बनाता क्या, अपने आप बन गया। मुझे पता है इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, गंदा लग रहा है बहुत, क्योंकि मैंने खुद से बनाया और इतना अच्छा बिल्डर हूँ नहीं मैं,
पर मैंने फिर भी नहीं सोचा था कि ऐसा बन जाएगा। वैसे तो काफ़ी भद्दा दिख रहा है पर मेरे लिए ये बहुत है, मैंने बहुत अच्छा बना दिया है, बस मुझे को इसके क्रेडिट मिलने चाहिए। और जो इसको बनाने में जो सामान यूज़ हुआ है वो सारा सामान मिस्टर प्रेसिडेंट ने प्रोवाइड किया था सक्षम के घर में, वहाँ से मैंने उठाया और मैंने बना दिया। अब मैं सक्षम को बुलाता हूँ उसको ये दिखाने के लिए। मैं इस बात से बेखबर था कि जो मेरा अब तक बिल्कुल अच्छा टाइम चल रहा था वो अब उल्टा होने वाला है। मैं जानता नहीं था सक्षम को बुलाने के बाद क्या क्या होगा। मैं तो अपने डायमंड्स लेने के लिए सक्षम को बुला रहा था, पर मैं ये बात नहीं जानता था कि ये दिन मेरा SMP में आखिरी दिन होगा और इसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए डार्कनेस में खो जाऊं। ओए प्रेसिडेंट हो ये बता देना पूरा मैंने बनाया है पूरा महल। क्यों उसको क्यों क्या है? टास्क मुझ पे शिफ्ट हुआ था ना। वो टास्क तेरे पे शिफ्ट नहीं हुआ था। किसने बोला तेरे पे शिफ्ट हुआ है? किसने बोला था? मैंने कब बोला तुझे? मैंने तो तुझे पैसे दिए हैं इसके बनाने के। तो मुझे क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे बनाने के? मैंने अपने लिए घर बनाया। तो तूने मुझे एज अ लेबरर यूज किया है, मतलब मैं बस एक मजदूर हूँ। यस। ये कहते ही सक्षम से लड़ाई करना शुरू कर देता है और वो जंग का ऐलान कर देता है। मैं उससे लड़ना तो नहीं चाहता था पर वो मुझे मारे जा रहा था तो मुझको भी फाइट बैक करना पड़ा। भाग, इधर आ सरी। ऊंची फेंक रहे ना तू, ऊंची ऊंची फेंक रहे तू कब से। आ जा भिड़ लेना, XPVP आती तुझे। तुझसे अच्छी PVP तो मैं करता हूँ, तू ऐसे फालतू में डराने लग रहा है। मुझे वो आता है, मुझे वो आता है। एक्चुअली तूने एक्सेप्ट भी कर लिया। क्या बंदा है तू, कहाँ तक भागेगा? बट उस टाइम पे मैंने हील नहीं किया हुआ अक्षय, इतना समझ ले। पहले तूने पंगा लिया था। अरे पहले तूने पंगा लिया था, देख ले, ले ले पंगे। ओ तेरे पास एन्चेंटेड डायमंड आर्मर है। अरे वाह, ये पूरा मैं उठा रहा। मैं इस SMP में बिल्कुल अकेला था और मेरा ओपोनेंट एक बंदे को भी लेके आ चुका था और उसके पास भी फुल डायमंड एन्चेंटेड आर्मर था और उन दो बंदों को मारना मेरे लिए इतना ईजी भी नहीं था। तो इसलिए मैं अपने उस फ्रेंड को मैसेज कर देता हूँ जो दूसरों के लिए दुश्मन है मेरा, कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो वो मुझको अनबैन करा दे रिवाइवल बुक से। मगर तुम्हें जानना है रिवाइवल बुक क्या है तो एपिसोड 2 का वेट करो, सब कुछ बताता हूँ। तो मैंने वॉर को अवॉइड करने की बहुत कोशिश की पर ऐसा नहीं हो पाया और जंग का ऐलान हो ही चुका था। तो अब मैं भी पीछे क्यों हटूँ? और ओपोनेंट्स ने अपनी टीम का नाम रख लिया था बदमोश गैंग। ये है तेरी बदमोश गैंग का मेंबर हैरियटर। तुम दोनों क्या लड़ोगे मुझसे? मेरा नेट अच्छा चल रहा है, रुको मैं थोड़ा रिफ्रेश करके आता हूँ। बैन होएगा, तूने कॉम्बैट लीव किया। मेरा नेट अच्छा नहीं चल रहा था, तुम लोग देख सकते हो, मुझे हवा में शॉर्ट्स लग रहे थे, वो वीडियो में देख लेना। मैंने रिकॉर्डिंग के वीडियो देख लेना। पकड़ इसको। कहाँ हो तुम दोनों? कुत्ते को नहीं रोक पा, रुक गया। ये अच्छा, ये सुनहरी आवाज है। कुत्ते को बिठा देना, कुत्ता नहीं, कुत्ता मार देगा तेरा। नहीं, पहले उसी को मारूंगा मैं। आओ मेरे को कुत्ते ज्यादा प्यारे तुम पे। मेरा नेट नहीं चल रहा है, मैं खड़ा हुआ हूं। हेल्प तो कर ले इधर आके। ओ मेरा नेट बहुत गंदा चल। देख तुम दोनों मुझे दिख ही नहीं रहे हो। ये रे ये भाई, नेट बहुत गंदा लीव कर रहा है। हमें नहीं पता हम तेरे को बैन करा देंगे। तू अपने सर्वर आ शांति से, तू सर्वर आ लीव, वरना बैन होएगा, वरना बैन होएगा, तू बैन होएगा। अब आओ मैं नेट चेंज करके आया हूं, अब लड़ो मुझसे। हैं तू लड़ेगा आ जा। अरे खोपचे में ले गया तू मुझे। ओ शिट। अरे नहीं इधर नहीं जाने दे इसको, जाऊंगा इधर। ओ शिट, आ रहे आ रहे वो। अरे पिकैक्स दे यार, एक मिनट पे पिकैक्स नहीं है। क्या नूब बंदे हो। आ जा अगर ओ शिट ये यहाँ पे गिर गया तो मैं भी यहाँ पे खत्म हो जाऊंगा। अरे नहीं नीचे नहीं यार, पिकैक्स लाना। ये मेरा सीक्रेट, जैसे ये आयरन ब्लॉक से तेरा सीक्रेट भी के। ओहो इतना अक्षत, वैसे भी मैं तेरे को बैन करा दूंगा, अब तूने कॉम्बैट लीव कर दिया। करवा देना। अबे नहीं दिख गया तेरा सीक्रेट तो, वो आयरन ब्लॉक्स बीकन के लिए तूने जमा करके रखे हैं। शील्ड लगा के बैठा नूब। क्या कर रहा? एक्स मारूंगा। आ जा अब। ओ नो, दोनों बंदे मार रहे। ओ शिट नूब लोगों, एक तो भाग गया वो हैरियटर। ओ मेरी वो तोड़, शील्ड डिसेबल कर दिया इसने, मैं मरा। ओ शिट, अरे नहीं दो बंदे, दो बंदों को मार दिया और को दो बंदों को नहीं मारा भी। ये है भाई, मेरे पे खाना भी होना चाहिए। मार टच तो कर दे। मैं मिल गया, मतलब फिर तुम लड़ रहे हो, मैं नहीं लड़ रहा हूं। अच्छा अच्छा, तो अभी मुझे टनल में भगा भगा के कौन मार रहा था?
मिलने आया है। मेरे को हिट किया था जो। हाँ वो हिट किया था, हाथ से पंच मारा था मैंने, तुम यहाँ पे जान लेने के पीछे पड़े हुए हो। क्या नूब बंदे, दो बंदे नहीं मार पाए, जा उठा लो तुम्हारा सामान। वैसे मैं तेरे को बैन कराने वाला हूँ, तूने जितना वो करना कर ले। करा देना, तेरा सामान उठाया नहीं मैंने, जा। अरे मेरा सामान किधर गया? वही है नीचे पड़ा, मैंने नहीं उठाया, मैं चोर नहीं हूँ तुम्हारी तरह। ये लो तुम लोगों के हार्ट्स, एक सच्चाई योद्धा होने के कारण नेक्स्ट वीडियो में, जो कि शायद से 5-6 दिन बाद आ जाएगी, तब तक के लिए बाय बाय।